विराट और राहुल ने धैर्य दिखाया, भारत ने कंगारुओं को धूल चटाया। जी हां, वर्ल्ड कप 2023 का आगाज भारतीय टीम ने जीत के साथ कर लिया है, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से जीत के हीरो रहे विराट कोहली और केएल राहुल, क्योंकि इस चेज में जो एक सामान्य सा चेज दिख रहा था, उस चेज में भारतीय टीम पहले दो ओवरों में 3 विकेट खो चुकी थी और बुरी तरीके से उनका बैटिंग ऑर्डर जो टॉप ऑर्डर था वो धराशायी हो गया था, जिसके बाद भारतीय टीम बहुत ही मुसीबतों में आ खड़ी हुई थी। लेकिन सभी की निगाहें बस विराट कोहली पर टिकी हुई थी कि किंग कोहली चेज मास्टर इस मैच में कैसा खेलते हैं, और चेज मास्टर ने इस मैच में एक बेहतरीन पारी खेली और उनका बखूबी साथ निभाया कमाल लाजवाब राहुल ने। तो दोनों ने ही एक धैर्यपूर्ण पारी खेली, एक मास्टर क्लास पारी, एक मास्टर पीस खेलकर दिखाया और भारतीय टीम को जीत से आगाज करा दिया। यहां पर कंगारुओं को भारतीय टीम ने 6 विकेटों से मात दे दी है और 42 ओवर पूरे होने से पहले ही इस मैच को अपने नाम कर लिया है। तो भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में जीत से आगाज हो गया है। जो एक वक्त तक पहले पारी की समाप्ति ऐसा लग रहा था कि इसको एक तरफा कर देगी भारतीय टीम इस मुकाबले को, लेकिन कंगारू गेंदबाजों ने, खासकर उनके पेस गेंदबाजों ने, जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन अपफ्रंट गेंदबाजी की पावर प्ले में और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। लेकिन दबाव की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कोई एक बंदा जानता है कैसे खेलते हैं, वो है विराट कोहली, और उनको इस पारी में बखूबी साथ मिला केएल राहुल का, और दोनों ने ऑस्ट्रेलियन टीम को अंत में जाते जाते मात दे ही डाली है। तो एक नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या स्कोर कार्ड रहा, कितना केएल राहुल ने कंट्रीब्यूट किया और कितना किंग कोहली ने बनाया। तो राहुल ने 97 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ये पारी वर्ल्ड कप के इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि पहला मुकाबला था, 2 रनों पर 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद ऐसी पारी, ऐसी संयम भरी पारी, दबाव की स्थिति में ऐसी पारी खेलना दर्शाता है कि इस बल्लेबाज का क्या ओहदा है और इसमें कितनी टैलेंट है। 115 गेंदे इन्होंने लिया, 8 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं किंग कोहली एक प्रूवन प्लेयर, और आज फिर उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि उनको टफ चैलेंजेस, जहां पे कठिन परिस्थितियां रहती हैं, वो पसंद है और वो ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना भी जानते हैं। एक कैच जरूर छूटा, लेकिन उसके अलावा एक रिस्क फ्री इनिंग रही जहां पे कोई रिस्क नहीं लिया और भारतीय टीम को जीत का पहले मैच में स्वाद चखाया है। 85 रन बनाया किंग कोहली ने 116 गेंदों पे, 6 चौके मारे, एक भी लॉफ्टेड शॉट नहीं खेला, एक जो उनका कैच छूटा था उसके अलावा। तो आप समझ सकते हैं क्या बेहतरीन पारी रही इन दोनों की और क्या लाजवाब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज कर दिया है। वहीं अगर हम कंगारू तेज गेंदबाजों की बात करें तो वहां पर मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड ने बेहतरीन गेंदबाजी की, पावर प्ले में दबाव बनाए रखा, लेकिन उनके अलावा कोई भी कंगारू गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाया। खासकर कोहली और राहुल को कोई भी कंगारू बल्लेबाज परेशान करता हुआ नहीं दिखा, जिस कारण इस चेज को भारतीय टीम दबाव में आने के बावजूद आसानी से चेज कर ले गई। यहां पर हेजलवुड इनके स्टार परफॉर्मर रहे, 9 ओवरों में 1 मेडन कराया, 38 रन खर्च किए और 3 विकेट अपने नाम लिए। इनके अलावा स्टार्क के नाम 1 विकेट रहा। तो ये पूरा सूरत हाल था और बहुत इजाफा हुआ है भारतीय टीम के नेट रन रेट में भी। और अगर आप पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम को इतने बुरी तरीके से पिट देते हैं तो ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी अच्छा हो जाएगा। एक वर्ल्ड कप का जो आगाज होना चाहिए था शानदार, वैसा आगाज हो गया है। अब बस यही उम्मीदें हैं कि इसी तरीके से भारतीय मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करते रहे और जो कंबाइंड एफर्ट आया है भारतीय गेंदबाजों का, भारतीय फील्डरों का, फिर भारतीय बल्लेबाजों का, ये कंबाइंड एफर्ट आता रहे और किसी एक डिपार्टमेंट पे भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने पहले मैच में करके दिखाया। पहले भारतीय गेंदबाजों ने जलवा बिखेरा, फिर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर विराट कोहली और केएल राहुल ने बेहतरीन और धैर्यपूर्ण पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियन टीम को हार का स्वाद चखा दिया है।
तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।